नमस्कार, मैं पिछले दो चार वीडियोस में मैंने बताया कि लाइट म्यूजिक के लिए, तो एक चीज़ मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ, वो है कि हम जब ख्याल सीखते हैं, विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल, तो वो थोड़ा लंबा होता है और याद करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि द्रुत ख्याल तो छोटा, वो छोटी है, वो याद हो जाती है, लेकिन ये बड़ा ख्याल जो है, तो मैंने ये मेरी खुद की सोच है, विलंबित ख्याल में स्थाई में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 वर्ड होता है, तो अगर हम पूरा विलंबित ख्याल एकदम से ऐसे याद ना करके अगर हम एक वर्ड को लेकर हम याद करेंगे तो याद करने में आसान होगा। जैसे कि कवन ढंग तोरा सजनी तू तो इतरात उतरात बीती जात। अगर हम इकट्ठा एकदम से पूरा ये बंदिश गाएंगे तो याद नहीं रहे, तो इसलिए मैंने पहले ये बोलोगे कवन, ये कवन जो है कवन, इसको 6-7-8 बार बोलोगे कवन ढग ढग ढग, फिर एक साथ कवन ढग, हो गया, इसको 6-7 बार बोलेंगे, फिर तो एक साथ बोलेंगे 8-10 बार कवन ढग तोरा, फिर सजनी, फिर सजनी बोलेंगे, फिर तू ओ, जो भी है बंदिश में, मैं ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने ये बंदिश ली, कुछ भी बंदिश हो। दूसरी बात, पूरा ये बंदिश ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होता है, 1-2 राग जब सीखोगे तब तो ठीक है, लेकिन जब 50-20 राग सीखोगे तब बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बंदिश याद करने का एक तरीका जो है कि ये शब्द 2 पे है, ये शब्द 3 मात्रे पे, ये शब्द 4 मात्रे पे, ये 6-7-8, और ज्यादातर बंदिश जो धा धा, मैं एक ताल की बात बोल रहा हूँ, धा धा जो 9 मात्रा है, वहां से बंदिश का जो एक जो पिकअप वो होता है, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 से मुखरा आ जाता है। तो मैं एक गाके मैं बताता हूं, देखो किस तरह होता है, तुम जरा विलंबित का 1-2 मात्रा जोर जोर से बोलना, कवन ढग ओ ना, जोर से बोलो, लोगों को सुना दे, 3 फिर से कवन ढग ओ ना, तो 3 पे सजनी सज रा उतरा
साथ चला गया। ए नौ दस जा ग्यारह का बारह दो तीन चार पांच दो छः ता सात आठ रा नौ दस जा ग्यारह बारह कब इस तरह से अगर इस फॉर्मूले से अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान होगा। हम भी ऐसे ऐसे अभी इस फॉर्मूले से कोई भी बंदिश गा के देखो, ऊपर में लिख लो। तबला वादक जब आएंगे उनको बोलो कि ये सर पर ये जो वर्ड है इसके ऊपर कौन सी मात्रा आता है, तो एक दो बहुत बहुत आसान होगा। और एक बार जब ये स्ट्रक्चर जो दिमाग में जब बैठ जाएगा दिमाग में तब बहुत ही आसान होगा। तो ठीक है, देखते रहो। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में लिखते हैं कि अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के देख के, और ऐसे भेजते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार, खुश रहो।